तो इमरान खान नियाजी के समर्थक इन दिनों पाकिस्तान की फौज से खफा हैं। हमारी अगली खबर है देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। जेएनयू में रामनवमी के मौके पर दो छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर मारपीट और हमला करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि छात्र संगठनों के बीच ये झगड़ा नॉनवेज खाने को लेकर हुआ। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का आरोप कि लेफ्ट छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रामनवमी की पूजा रोकने के मकसद से विवाद खड़ा किया, जबकि वामपंथी छात्र संगठनों का दावा कि मेस में नॉनवेज खाने से रोकने के लिए हॉस्टल में नॉनवेज खाने से रोकने के लिए दरअसल मारपीट की गई। दोनों तरफ से कम 6 छात्रों के घायल होने के दावे किए गए और इस मामले में FIR भी दर्ज करवाई गई। लेकिन इस मामले में हिंसा को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे पूरे मामले में ट्विस्ट आया। इस विवाद पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के दिन जब पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का दिन मना रहा था, उनकी पूजा कर रहा था, उसी दिन देश के सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी जेएनयू में मर्यादा तार तार हो रही थी। बताया गया कि कल वहां बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प के कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई। अब हिंसा और हंगामे की वजह भी सुन लीजिए। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि रविवार को रामनवमी के मौके पर कैंपस में पहली बार पूजा का आयोजन किया गया था, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्रों को ये रास नहीं आया और उन्होंने पूजा में शामिल छात्रों पर हमला कर दिया। अमेरिका रेसिडेंट्स का था विद प्रॉपर परमिशन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। जेएनयू में तो कभी चिकन बनता नहीं है इफ्तार में, आराम से सारी चीज़ें हुई। मुस्लिम स्टूडेंट्स का भी स्टेटमेंट आया कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेफ्ट के साथ प्रॉब्लम है कि रामनवमी के दिन 4 प्रोग्राम कैसे हो गए, NSUI को ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये मारपीट शुरू की गई। एबीवीपी का आरोप है कि इस हमले में पूजा करने पहुंचे कई छात्रों को चोटें भी आई। पूजा 5 बजे से स्टार्ट हुई थी और 7:30 बजे के आसपास जब प्रसाद वितरण वाला टाइम था उसके बाद फिर जब सब निकल रहे थे, आधे लोग जब बाहर निकल गए थे, जब संख्या कम हो गई थी तब ये लोग अंदर आए हॉस्टल में और फिर उसके बाद ये लोगों ने आया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बवाल पर उतारू छात्र रामनवमी के लिए लगाए गए झंडे को खींचते और गिराते हुए नजर आए। आरोप है कि ये लेफ्ट के छात्र थे जो पूजा रुकवाने पहुंचे थे। लेकिन लेफ्ट के छात्र संगठनों ने इन आरोपों को नकार दिया। उल्टा उन्होंने एबीवीपी के छात्रों पर नॉनवेज खाने से रोकने और मारपीट करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि कावेरी हॉस्टल में हर वीकेंड की तरह इस बार भी नॉनवेज खाना बनने वाला था, लेकिन एबीवीपी समर्थक छात्रों ने न केवल नॉनवेज सप्लाई करने वाले वेंडर को जबरन भगा दिया बल्कि कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ मारपीट भी की। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रही साईबाला ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। वहाँ पे गार्ड के प्रेजेंस होने के बावजूद हॉस्टल का जो इक्विपमेंट है, वाईफाई का जो इक्विपमेंट है, उनको तोड़ के स्टूडेंट्स को मारने का कोशिश की। उन्होंने हम लोग को हॉस्टल के अंदर ट्रैप कर लिया और बाहर से हॉस्टल के बाहर से पत्थरबाजी की, डस्टबिन फेंक के मारा, ट्यूबलाइट्स फेंक के मारे। हालांकि नॉनवेज सप्लायर ने मारपीट की बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन लेफ्ट समर्थकों के वीडियो के जवाब में एबीवीपी ने भी एक वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में कई छात्र मारपीट पथराव और गाली गलौज करते हुए नजर आए। एबीवीपी की तरफ से दावा किया गया कि वीडियो में पथराव करता शख्स कोई और नहीं वामपंथी छात्र संगठन SFI का अध्यक्ष हरेंद्र है। वीडियो के जवाब में वीडियो पेश किए जाने लगे और दोनों ही पक्ष खुद को पीड़ित बताने के साथ साथ दूसरे को हमलावर साबित करते रहे। एबीवीपी ने तो आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने के लिए एक छात्रा ने चेहरे पर टमाटर की चटनी पोत ली और खुद को लौलुहान दिखाने की कोशिश की। इसे साबित करने के लिए
सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिसमें कथित रूप से घायल छात्रा को संभालने वाली दूसरी छात्रा जो पहली तस्वीर में ठीक दिख रही थी वही दूसरी तस्वीर में बेसुध लेटी नजर आई, जबकि पहली तस्वीर में कथित रूप से लहूलुहान छात्रा बिल्कुल ठीक ठाक हालत में उसकी तीमारदारी करती दिखाई दी। हालांकि बाद में वो लड़की खुद सामने आई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पथराव करने का आरोप लगाया। पूरे विवाद की खबर जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया, लेकिन लेफ्ट संगठनों के छात्रों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस पर छात्राओं के साथ बदसुलूकी के भी आरोप लगाए गए। मुद्दा जेएनयू का था तो सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने लेफ्ट संगठनों पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना भी इस मुद्दे में कूद पड़ी। आदित्य ठाकरे ने नॉनवेज खाने से रोके जाने पर एबीवीपी के साथ बीजेपी को भी घेरना शुरू कर दिया। विवाद के बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें एक तरफ हवन होता दिखा तो दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी भी नजर आई। लेकिन इन सब के बीच अचानक क्या हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से वीडियो जारी कर रहे हैं और खुद को पीड़ित बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।